हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के लिए अब थोड़ा कम टाइम बचा हुआ है और सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो यहाँ से क्या कुछ करें, कितना करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करें या फिर कौन कौन से टॉपिक करें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिनको आप मिस बिल्कुल भी मत करना, जो सुपर श्योर हैं। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं 20 इम्पोर्टेंट, मतलब सुपर श्योर टॉपिक्स फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के इन 20 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ से 100% करें, इनमें से कुछ मिस मत करें। चाहे आप नेक्स्ट कुछ करें या ना करें, लेकिन इन 20 टॉपिक्स में से कुछ भी मिस मत करना। ये श्योरली यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन अब तक रिपीट हो चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये 20 टॉपिक्स ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं अपने इकोनॉमिक्स में, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 10 सब्जेक्ट हैं टोटल जो कवर करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो 10 सब्जेक्ट के ही ये टॉपिक 20 टॉपिक्स हैं जो आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करने। तो नंबर वन टॉपिक है इसमें, टॉपिक वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, जैसे इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, लग्जरी एंड नेसेसरी गुड्स वगैरह, एंड उनकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे दूसरा, इनकम कंजप्शन कर्व और प्राइस कंजप्शन कर्व, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके साथ इनका रिलेशन कैसा होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक टू, मार्केट कंडीशंस। देखो, मार्केट कंडीशंस से तो एक या दो क्वेश्चन श्योरली आना ही आना है। तो मार्केट कंडीशन भी चार कंडीशन हम यहाँ पे मेनली होती हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और उसके बाद जितने भी मार्केट हैं इम्परफेक्ट मार्केट्स। जो प्योर मार्केट है, परफेक्ट मार्केट है, वो तो परफेक्ट कंपटीशन है, बाकी इम्प्योर तो मतलब मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, और फर्दर ओलिगोपोली भी डिवाइडेड है आपका कार्टेल्स वगैरह में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंडीशंस मार्केट की, ये चार कंडीशंस आप, ये चार पॉइंट्स इसके अंदर भी इंक्लूड हैं। और थर्ड टॉपिक है इनपुट आउटपुट मॉडल, और इनपुट आउटपुट मॉडल लियोनटिफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है हॉकिन साइमन कंडीशन, और जिसको हम बोलते हैं वाइबिलिटी कंडीशन ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल। तो वहाँ से भी क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप मिस बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ वन, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड CES प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये दोनों ही प्रोडक्शन फंक्शन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कॉब डगलस में से तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो CES में से नहीं आएगा, अगर CES में से आएगा तो कॉब डगलस में नहीं आएगा। मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ है कि इन दोनों में से, दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक तो श्योरली पूछा ही है। तो अगर आप जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछे गए हैं, अगर आप वो भी कवर करते हो तो इट इज़ मोर देन सफिशियंट। वैसे तो इनको अंडरस्टैंड करके कर लेना, बट अगर नहीं होता तो इनको प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही कर लेना और वहीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा, और ये सुपर श्योर है। और फिफ्थ टॉपिक है वो है फिलिप कर्व एनालिसिस। तो फिलिप कर्व एनालिसिस भी अपने आप में काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, और फिलिप कर्व भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, शॉर्ट रन फिलिप कर्व, लॉन्ग रन फिलिप कर्व, फ्रीडमैन का अप्रोच। तो इसमें ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब फिलिप कर्व एनालिसिस। एंड सिक्स टॉपिक है फोर मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज, और ये भी अपने आप में सुपर श्योर है। चार इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं जिसमें नंबर वन पे है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, केन्ज की थ्योरी, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ड्यूजनबेरी की थ्योरी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अगर हम बार बार देखो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत बार पूछा है उसने। और उसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, फ्रीडमैन की थ्योरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जो ये मोदी किलाने की है, एंडो वगैरह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये चार कॉन्सेप्ट, इनमें से कुछ मिस मत करना, ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेवन्थ वन है क्लासिकल वर्सेस केन्जियन। तो क्लासिकल की थ्योरीज, क्लासिकल लॉन्ग रन की बात करते हैं, क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो क्लासिकल की जितनी एजम्पशंस हैं वो आएंगी, और उन्हीं एजम्पशनों को रेक्टिफाई किया है, इम्प्रूव किया है केन्जियन ने। मतलब लगभग लगभग सेम स्टडी है केन्ज की, बट अपोजिट है। अगर ये लॉन्ग रन की बात करता है तो केन्जियन शॉर्ट रन की बात करता है। तो वही इन दोनों का कंपेरिटिव, जो कंपैरिजन है वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट है टॉपिक एट, टॉपिक एट में आता है कॉब वेब मॉडल। कॉब वेब मॉडल भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक नाइन,
टॉपिक 9 में ISLM अप्रोच। ISLM अप्रोच यहाँ से भी क्वेश्चन वाइडली फ्रिक्वेंटली आस्क, मतलब क्वेश्चन अगर हम कहें तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ISLM। और ISLM का जो केस है इसको फिस्कल पॉलिसी में भी करना, इसको मॉनेटरी पॉलिसी के साथ भी रिलेट करना, IAS का एनालाइज अलग और LM का अलग, तो सेपरेट करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ आएगा और ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक 10, टॉपिक 10 में यहाँ पे आता है टेस्ट, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, चाहे वो टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है एंड काइस के टेस्ट है वगैरह। तो ये जितने भी टेस्ट हैं इनमें से कुछ भी मिस मत करना, जितने भी हैं ये इनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेना, यहाँ से श्योरली क्वेश्चन आएगा ही। और टॉपिक 11 है आपका इकोनोमेट्रिक्स से, इकोनोमेट्रिक्स में से ऑटो कोरिलेशन एंड हेट्रोस्टैटिसिटी। अब इन दो टॉपिक्स में है क्या समझने वाला, ऑटो कोरिलेशन में जितने भी आपके ऑटो कोरिलेशन है या फिर टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन है वो कर लेना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है ऑटो कोरिलेशन से भी। और हेट्रोस्टैटिसिटी इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, और इसके बाद जो टेस्टिंग हेट्रोस्टैटिसिटी को सेटिस्फाई करते हैं टेस्ट वगैरह वो भी, तो यहाँ से ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। और टॉपिक 12 है OLS एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस वगैरह। तो OLS की अजम्पशंस, जितनी भी अजम्पशन है सबसे पहले तो OLS की अजम्पशंस करना, क्योंकि OLS की अजम्पशंस से ही काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2SLS 3SLS वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक 13 जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस वगैरह। तो ये फर्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स के 4 चैप्टर हैं, वैसे सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन मिडियन मोड आएगा, स्क्यूनेस, कुर्तोसिस वगैरह, ये आपको डिटेल में करनी है। और यहाँ से काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। और टॉपिक 14 है डी वैल्यूएशन की थ्योरीज, चाहे वो मार्शल लर्नर कंडीशन हो, चाहे वो इलास्टिसिटी अप्रोच हो, जे कर्व हो, ये सब जुड़ा हुआ है डी वैल्यूएशन से। तो डी वैल्यूएशन थ्योरीज यहाँ से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वहीं टॉपिक 15 जो आपको करना है वो करना है पब्लिक फाइनेंस से पब्लिक बजट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछेगा लेटेस्ट डेटा। और ये तो काफ़ी बार पूछा है कि फिस्कल डेफिसिट 3.4, रिवेन्यू प्राइमरी डेफिसिट जितना भी है 2.8 या फिर समथिंग, तो यहाँ से जितना भी है इनको एक बार डिटेल में याद करना, जो 2019 का है और 2020 का अभी टारगेटेड है वो करना, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट या फिर रिवेन्यू डेफिसिट मे बी 1.8 फिलहाल है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डीप स्टडी थोड़ा सा कर लेना। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक 16, वो है हेरोडोमर्स मॉडल, मतलब HD मॉडल। हेरोडोमर मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 चीज़ें आपको करनी है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट विद देयर अजम्पशंस। और डिफरेंट अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ही कई बार UGC नेट में पूछता है। और टॉपिक 17 है आपका सोशल इंडिकेटर्स, इंडियन इकोनॉमी का ये टॉपिक है, इसमें आपने डिटेल में करना है IMR, MMR, टोटल फर्टिलिटी रेट, और उसके बाद जो ग्रॉस फर्टिलिटी रेट और ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट या फिर नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ये चीज़ आप करेंट सिनेरियो में करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, टॉपिक 18 जो सुपर श्योर है, और आजकल इकोनॉमिक्स की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन है, PG हैं या फिर चाहे वो 12th ही हैं, ये एक टॉपिक उनमें इंट्रोड्यूस हुए हैं दो, एक तो GST एंड डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुए हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिसी में तो एक क्वेश्चन सुपर श्योर आना ही आना है, अगर क्वेश्चन आना ही है तो क्यों ना आप उसको डिटेल में करें। तो इसमें न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एक वीडियो आपको YouTube पे ऑलरेडी मिल जाएगा, 17 न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो उसमें हमने ये डिस्कस किए हुए हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और स्पेशली वो हमने डिज़ाइन किए हैं UGC नेट या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। GST में से एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, और डीमोनेटाइजेशन का एक क्वेश्चन आना बिल्कुल स्वाभाविक है। एंड नेक्स्ट वन है टॉपिक 19, और ये टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस से, थ्योरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस से यहाँ पे 5 थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज में से कुछ भी मिस मत करना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें जैसे अडोल्फ वैगनर्स की थ्योरी, वैगनर्स हाइपोथेसिस, उसके बाद पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीन इफेक्ट दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मोस्ट वाइडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस, और कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस। तो ये कहते हैं क्रिटिकल लिमिट कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 25%, तो क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस। उसके बाद बेनिफिट रिसीव थ्योरी, बेनिफिट रिसीव थ्योरी, इसमें हम अगर नाम जोड़ा जाता है, इसमें कई बार सेलिगमैन का नाम इसमें जोड़ा जाता है, और एबिलिटी टू पे थ्योरी, पिगू का नाम इसमें आता है, पिगू एंड सेलिगमैन, एबिलिटी टू पे थ्योरी। तो ये थ्योरी पांच काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करनी है। नाउ नेक्स्ट वन इज टॉपिक लास्ट जो है वो है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेशनलाइज्ड बैंक, क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनलाइज्ड बैंक कम हुए हैं, अब टोटल नेशनलाइज्ड बैंक हो गए हैं 12। तो मतलब 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं और इनमें से पूछ सकता है कि कौन कौन से बैंक कहाँ मर्ज हुए हैं, क्योंकि लास्ट मंथ काफ़ी न्यूज़ में रहा था जो 10 बैंक्स मर्ज हुए थे 4 बैंक्स में। और उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, तो आरबीआई की मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है आरबीआई, तो इसमें रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये चीज़ पता कर लेना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो, तो 20 ये टॉपिक्स थे जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने, और इस शॉर्ट टाइम में आप इनको जितने भी कम टाइम में इनको कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि अगर ये टॉपिक क्लियर होंगे आपके तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।